एशिया कप के सुपर फोर का तीसरा मैच और दर्शकों की मुराद एक बार फिर पूरी हुई। एक और बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत, कहां एक मैच मुश्किल है और कहां दो दो पड़ गए। और इस बार तो दिन भी सही था, संडे, सो जनता और आराम से बैठी थी। उम्मीद थी कि ये मैच पिछली बार की तरह एक तरफा और बोरिंग नहीं होगा, लड़ेगा, कुछ कांटे का मुकाबला रहेगा। मगर ये सिर्फ तब तक रहा जब तक कि पाकिस्तान ने बैटिंग की। वो इसलिए क्योंकि जब भारत की बैटिंग की बारी आई, शिखर धवन और रोहित शर्मा ने मारना शुरू किया तो मुकाबला धीरे धीरे एक तरफा हो गया। गजब का धोया भाई दोनों ने। और फिर पाकिस्तान क्या ही करता, 9 विकेट से हार गया। मैच की शुरू से बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। क्यों किया, इसका जवाब तो खुद पाकिस्तान के कप्तान के पास नहीं है। मतलब पिछले मैच में पहले बैटिंग करके हारे और उसके बाद फिर बैटिंग। पिछला मैच अफगानिस्तान को चेस करके हराया, फिर भी बैटिंग। खैर, ओपनिंग आए फखर जमन और इमामुल हक, इधर से ओपनिंग आए भुवनेश्वर और बुमराह। दोनों ने एकदम सधी हुई गेंदबाजी की, मगर फखर और इमाम भी कसम खा के आए हुए थे कि आज इन दोनों को विकेट नहीं देंगे। लगता है उनके मन की बात रोहित शर्मा ने सुन ली और 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल को गेंद दे दी। तुरंत असर भी हुआ, ओवर की आखिरी बॉल पर ओपनर इमाम उल हक आउट हो गए। खैर, कायदे से तो ये विकेट महेंद्र सिंह धोनी के खाते में जोड़ना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि LBW की अपील पर अंपायर ने इसको नॉट आउट दिया था, पर धोनी ने तुरंत इसके लिए रिव्यू मांग लिया। इसमें इमाम आउट निकले, पूरी टीम उछल पड़ी। खैर, फखर जमन और बाबर आजम अभी क्रीज पर थे। पाकिस्तान को इन दोनों से ही सबसे ज़्यादा उम्मीद रही होगी। इस बात का इन दोनों पर प्रेशर भी रहा होगा और इसी प्रेशर में ये अगला विकेट दे बैठे। विकेट गया फखर जमन का। बात 15वें ओवर की है। चाइनामैन कुलदीप यादव ने तीसरी बॉल डाली और फखर जमन स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में जमीन पर फैल गए। गेंद एक नज़र से यही लगा कि उनके पैड पर लगी है। अपील पर अंपायर ने आउट भी दे दिया। अब पाकिस्तान के पास मौका था रिव्यू लेने का, मगर फखर बाबर से पूछे और उनके मना करने पर वापस लौट गए। बाद में बड़ी स्क्रीन पर जब रिप्ले आया तो पता चला कि गेंद पहले उनके ग्लव से छुई थी, फिर पैड पर लगी थी। अब इस प्रेशर के साथ मैदान पर आए पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद और अगले ही ओवर माने 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर उन्होंने बाबर आजम को रन आउट करवा दिया। दरअसल सरफराज ने बॉल पॉइंट की तरफ मारी और रन की कॉल लेने के बाद बाबर को लौटा दिया और इस चक्कर में बाबर रन आउट हो गए। खैर, इसके बाद मैदान पर आए शोएब मलिक और उन्होंने पक्का सरफराज को कोई ज्ञान दिया होगा, तभी इसके बाद दोनों ने कोई गलती नहीं की। दोनों मैदान पर टिक गए, पाकिस्तान के लिए एक ज़रूरी पार्टनरशिप की 107 रनों की 138 बॉलों पर। हालांकि 165 के स्कोर पर सरफराज गलती कर ही बैठे। 39वें ओवर में कुलदीप की बॉल पर मारने के चक्कर में वो शॉर्ट कवर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा को कैच दे बैठे, 44 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर थे अपना 50 पूरा कर चुके शोएब मलिक और बड़े शॉट्स मारने की काबिलियत रखने वाले आसिफ अली। आसिफ ने अपनी काबिलियत दिखाई भी मैच के 42वें ओवर में। भुवनेश्वर के ओवर में 22 रन ठोक डाले, मगर जिनसे पाकिस्तान को ज़्यादा उम्मीद रही होगी वो शोएब मलिक इस मैच के आखिर तक नहीं टिक सके। पिछली बार की तरह 44वें ओवर में बुमराह ने शोएब मलिक को चलता किया। शोएब मलिक ने अपनी इस पारी में 78 रन बनाए और इसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से मैच से बाहर होता चला गया। 45वें ओवर में चहल ने बड़े शॉट लगा रहे और खतरा नजर आ रहे आसिफ अली को भी निपटा दिया और इन आखिरी ओवरों में बचा काम किया पूरा जसप्रीत बुमराह ने, दे यॉर्कर डालकर। और फिर पाकिस्तान की टीम एक बार जो पटरी पर उतरी तो 50 ओवर में 237 रन ही बना सकी, जबकि एक वक्त लग रहा था कि वो कम से कम 260 या 270 रन बनाएगी। आखिरी 8 ओवर में पाकिस्तान सिर्फ एक बाउंड्री लगा सका। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना प्रेशर में था। माने भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम पूरा कर दिया था, अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन, वो रोहित शर्मा जो पिछले मैच में ही बता चुके थे कि उनको लाइट्स में खेलना पसंद आ रहा है और इस बार उनकी ये इच्छा तो खुद पाक कप्तान ने पूरी की थी पहले बैटिंग लेकर। सो रोहित ने भी उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, धवन के साथ मिलकर टीम को तगड़ी शुरुआत दिलवाई। पहले 10 ओवर में दोनों ने बनाए 53 रन। इस वक्त धवन उड़ा रहे थे, रोहित अपनी आदत अनुसार अपनी आंखें सेट कर रहे थे ताकि बॉल उनको फुटबॉल नजर आ सके और फिर वो सेट हो गए। रोहित ने भी उड़ाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर अपनी बॉलिंग के लिए जानी जाने वाली ये पाकिस्तान की टीम के बॉलरों को ये दोनों ऐसा मार रहे थे जैसे कोई गली मोहल्ले की टीम। रोहित ने 22वें ओवर में 50 पूरी की तो धवन ने 18वें ओवर में ही 50 पूरी कर ली थी। 24वें ओवर तक दोनों 15 बाउंड्रीज मार चुके थे, जबकि पूरी पाकिस्तान टीम ने अपनी इनिंग में सिर्फ 16 बाउंड्रीज मारी थी। पर ये सब होने में पाकिस्तानी फील्डरों की भी बड़ी कृपा रही। बंदों ने एक बार नहीं दो दो बार कप्तान रोहित शर्मा के कैच छोड़े। पहला 6वें ओवर में यंगस्टर शाहीन अफरीदी की बॉल पर, तब रोहित मात्र 14 रन पर खेल रहे थे। और इसके बाद 28वें ओवर में अब की बार बॉल डाल रहे थे शादाब खान और रोहित शर्मा इस वक्त खेल रहे थे 81 रनों पर। और इन जीवन दानों का रोहित शर्मा ने पूरा फायदा उठाया।
सेंचुरी जड़ दी। दूसरी तरफ से शिखर धवन भी इस बार नहीं चुके, उन्होंने भी सेंचुरी जड़ी। हालांकि धवन 34वें ओवर में रनआउट हो गए, 114 बनाए 100 ओवरों पर 16 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। अगर ये ना होता तो भारत ये मैच 10 विकेट से जीत सकता था। धवन जब आउट हुए तो भारत को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे 16 ओवरों में। रोहित और धवन के बीच 210 रनों की पार्टनरशिप हुई 201 गेंदों पर। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय ओपनरों की सबसे बड़ी पार्टनरशिप, गजब खेले दोनों। आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट में ऐसा सिर्फ 7 बार हुआ है जब दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी हो। रोहित शर्मा ने धवन के जाने के बाद हालांकि कोई गलती नहीं की और रायडू ने उनका पूरा साथ दिया और दोनों ने 40वें ओवर मैच खत्म कर दिया। रोहित ने अपनी पारी में 111 रन बनाए 119 बॉलों पर 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। रोहित का ये 19वां शतक था, इसमें से 13 सेंचुरी तो पिछली 15 वनडे सीरीजों में ही उन्होंने मारी है। इसी के साथ उनके 7000 रन भी पूरे हुए 181 मैचों में। और रोहित और धवन की इसी पारी की वजह से भारत ने विकेटों के अंतर के लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की, 9 विकेटों की जीत। पाकिस्तान के कप्तान ने इस हार के बाद कहा कि हमने अगर कुछ कैच ना छोड़े होते, 20-30 रन ज़्यादा बनाए होते तो शायद ये मैच ज़्यादा मज़ेदार होता। सही कह रहे हैं जनाब, बहुत मेहनत की ज़रूरत है उनकी टीम में। खैर, अभी भी जिन लोगों का पेट ना भरा हो भारत पाकिस्तान की भिड़न को देखकर, तो उनके लिए बता दें कि अभी एक और मौका है जब भारत पाकिस्तान भिड़ सकते हैं, मतलब एशिया कप के फाइनल में। मगर उसके लिए पाकिस्तान को अपना अगला मैच बांग्लादेश से हराल में जीतना होगा। खैर, इस मैच में जो भी होगा और एशिया कप में जो भी और अपडेट्स होंगे हम आप तक वो उनको पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं सौरभ और आप देखते रहिए dlllntop.com। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दी लल्लन टॉप की ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है, अगर उसे अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।